हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, आज बात करेंगे थ्रेप्टिन के बारे में। थ्रेप्टिन बिस्किट्स जो आते हैं मार्केट में, आपने अक्सर देखा होगा मेडिकल स्टोर पर रखे रहते हैं या आपको किसी ने खाने को दिया होगा। ये जो बिस्किट के जैसा एक सप्लीमेंट है, ये क्या है, कब यूज़ किया जाता है, कैसे काम करता है, सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले रिक्वेस्ट है, ज्ञानियर द मेडिकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, इससे आप ही को वीडियोज़ मिलेंगे और आप ही का नॉलेज बढ़ेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो थ्रेप्टिन है, एक बोले कि बिस्किट के फॉर्म में आता है, ठीक है ना, और काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी लंबे समय से चल भी रही है। एक प्रकार का सस्टेन रिलीज सप्लीमेंट, मतलब कि अगर आप इसको लेते हैं एक बिस्किट भी, तो ये आपके शरीर में धीरे 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 करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और रिच सोर्स होता है प्रोटीन का, ठीक है। तो प्रोटीन के बिस्किट एक प्रकार से ये डिस्केट बोलते हैं, बेसिकली इसको बिस्किट नहीं कह सकते। और ये दो फॉर्म में आता है, मतलब कि एक 250 ग्राम में आता है, 275 ग्राम का लगभग एक इसका छोटा सा बॉक्स आता है जो कि लगभग 450 रुपये का होता है। और इसका एक किलो का भी आता है जो 1500 रुपये का होता है, एक किलो का बॉक्स आता है पूरा, उसमें भी ये डिस्केट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो डिस्केट है, मतलब कि ये केसिन जो प्रोटीन होता है उससे मिलकर बना होता है, केसिन सुक्रोज, ठीक है, शुगर नहीं होता है, बहुत कम होता है, सुक्रोज राइस चावल का जो आटा होता है उससे, और कुछ मात्रा में जो है वेजिटेबल ऑयल्स इसके अंदर होते हैं और कुछ माल्ट होता है, ठीक है ना। तो ये इनसे मिलकर बना हुआ एक बिस्किट के समान एक सप्लीमेंट है। और नॉर्मली ये तीन फ्लेवर में अवेलेबल होता है, क्योंकि इसको डेली खाना होता है तो आदमी फ्लेवर पर जाता है। तो वनीला, चॉकलेट और फास्टिकी सफेरो, इसके तीन फ्लेवर आते हैं। बात करें कि भाई ये इसके अंदर पाया क्या क्या जाता है, इसके कंपोजिशन क्या क्या रहेगा। तो देखो, इसका 100 ग्राम अगर आप यूज़ करते हैं, 100 ग्राम एक बार में अगर आप यूज़ करते हैं, तो 100 ग्राम के अंदर आपको प्रोटीन मिलता है 30 ग्राम, फैट मिलते हैं 14 ग्राम, और पॉलीसैचुरेटेड फैट भी है इसके अंदर कुछ, जो कि है 12 ग्राम, सैचुरेटेड फैट भी हैं कुछ 7 ग्राम के लगभग, और ट्रांस फैट इसके अंदर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दोस्तों इसमें 48 ग्राम, और शुगर है लगभग 23 ग्राम, ठीक है। कुछ मल्टी विटामिन भी हैं साथ में इसमें डाले गए हैं, जैसे कि निकोटिनामाइड है 14 ग्राम, राइबोफ्लोविन है, ठीक है, और थायमिन है। और इस सब की एनर्जी वैल्यू जो निकल के आती है लगभग 438 किलो कैलोरीज होती हैं, तो काफ़ी अच्छी एनर्जेटिक चीज़ है। और कब दिया जाएगा, देखो भाई, जिन व्यक्तियों के लिए शरीर में प्रोटीन की कमी होती है या बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं या उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं वर्क कर रहा है, तो डॉक्टर इसको लिखते हैं, या आदमी खुद से भी ले सकता है, कोई बुरी बात नहीं है, आप डेली खा सकते हो और हमेशा खा सकते हो, इसका कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन इसकी कुछ सावधानियाँ उनको भी समझेंगे। तो अगर आपको हंगर पैंक्स होता है, मतलब कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई कुछ खाते ही रहो खाते रहते हैं, मतलब कि भूख ख़त्म नहीं होती है, तो ऐसे लोगों के लिए बेस्ट है, वो एक बिस्किट भी खाएंगे तो उनको काफ़ी लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम को रखने के लिए भी इसको देते हैं, इसके अंदर कुछ फाइबर्स होते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या ठीक हो जाती है, ठीक है ना। और एक अच्छा मेटाबॉलिज्म रिएक्शन करवाने के लिए शरीर के अंदर, या शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा रखने के लिए भी इसको देखते हैं। सो क्या समझ में आया कि भाई अगर आप कमज़ोर हैं, प्रोटीन की कमी है, आपको कब्ज रहती है या आपको भूख ज़्यादा लगती है, तो आप इसको ले सकते हैं। सावधानी ये रखनी है दोस्तों कि आपको दिन भर में 6 से ज़्यादा बिस्कुट नहीं लेना है, 6 से ज़्यादा बिस्किट्स नहीं लेना है, ठीक है। और 3 से 4 बार आप खा सकते हैं दिन भर में, कोई दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा यूज़ ना करें, रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, और बच्चों के पहुँच से दूर रखें, क्योंकि बच्चे इसको अच्छा लगेगा तो बहुत सारे खा सकता है, तो उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन मदर्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको ठंडी और सूखी जगह पर ही रखना चाहिए, क्योंकि ज़रा भी उसमें नमी लगेगी तो ये ख़राब हो जाता है बिस्किट, ठीक है, और काफ़ी महंगा भी पड़ रहा है, तो ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। सो आई होप आप समझ गए होंगे जो थ्रेप्टिन बिस्किट है इसके बारे में, और ये किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। 800 शुरू होती है, मैं हिंट देता हूँ, तो कमेंट जरूर करें, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए खाते रहो थ्रेप्टिन बिस्किट। जय हिंद, वंदे मातरम।